पेशा करने वाला हत्ता के किसान भी उस
उसकी भी ये तड़प है, उसका भी ये हदफ है कि मेरी जमीन में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारी हो और मैं दूसरे किसानों की निस्बत कामयाब कहलाया जाऊं और कामयाबी को हासिल कर लूं। कोई बंगले बनाने की कामयाबी की तरफ उसका रुझान है, कोई गाड़ी, कोई ओहदा, माल दौलत, औरत, तिजारत, हर आदमी किसी ना किसी जिंदगी के हर शोबे में इंसान कामयाबी को तलाश करता है और उसका हदफ भी वही है। बहुत से हैं, कुछ लोग हैं जो अपने इस हदफ में कामयाब होते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती भी है, दुनिया की कामयाबी मिलती भी है, और बहुत से लोग हैं जो अपने अरमानों को मचलते मचलते, अपने अरमानों में मचलते मचलते जिंदगी का सफर पूरा करके इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उनको न दुनिया की कामयाबी मिली और न आखिरत की। तो दरअसल कामयाबी क्या है? एक इंसान की असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं। अगर इंसान दुनिया के अंदर बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो वो उसकी दुनिया की कामयाबी है जो दुनिया के अंदर महदूद है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं सियासत के अंदर जाऊं, पॉलिटिक्स में जाऊं और मैं बड़े ओहदे पे फायज हो जाऊं, मुझे कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, अगर उसको मिनिस्ट्री मिल भी जाती है तो वो भी उसकी दुनिया की कामयाबी जो महदूद है। दुनिया के एतबार से जितने भी लोग अपने आप को कामयाबी दुनिया के अंदर तलाश करते हैं, अगर उनको दुनिया के अंदर कामयाबी मिल भी जाती है तो वो दुनिया की कामयाबी है और उस दुनिया की कामयाबी से उसकी नजात होने वाली नहीं। नजात का जरिया आखिरत की कामयाबी, असल कामयाबी एक मोमिन और मुसलमान की कामयाबी आखिरत के अंदर है। तो आखिरत में जो कामयाब हो गया वही जो है असल कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, इस दुनिया से कूच करना है। चाहे तो कामयाब हो या ना हो, चाहे तो मालदार हो या फकीर हो, चाहे तो बादशाह हो चाहे वजीर हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक को इस दुनिया फानी से पूछ करके आखिरत की जिंदगी को जो है पहुंचना है, वहां की कामयाबी की सोचना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशगी की जिंदगी अता नहीं की। तो रिवायत के अंदर बात आती कि अगर हमेशा की जिंदगी किसी को दी जाती तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा हकदार हैं कि उनको हमेशा की जिंदगी मिल जाती, लेकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब इन्नका मैतुन व इन्नहुम मैतुन, मेरे प्यारे नबी आपको भी मरना है और उनको भी मरना है। मौत हर एक को है, कोई जिंदा हमेशा रहने वाला नहीं। किसी ने जो है हमेशा की जिंदगी का कोई जाम या प्याला नहीं पिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और कियामत के दिन तुम सब के सब अपने अच्छे बुरे आमाल के बदले पूरे पूरे दिए जाएंगे। कियामत के दिन तुम्हारे जो भी आमाल है, चाहे वो अच्छे आमाल हो या बुरे आमाल हो, अच्छे आमाल है तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरे आमाल है तो उसके बदले में सजा मिलेगी।
चाहे अच्छे अमाल करके जाना चाहते हैं या बुरे अमाल करके जाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस बात की आजादी दे दी, तुम सही अमाल अच्छे अमाल करके आओगे तो तुम्हारे लिए हम जन्नत को तैयार करके रखे हैं, और बुरे अमाल करके आएंगे तो बुरे अमाल करने वालों के लिए, काफिरों के लिए, गुनहगारों के लिए, फासिक और फाजिरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम को तैयार करके रखा है। जो शख्स आज असल कामयाबी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला यहां पर फरमाते हैं, फमन ज़ुर्रिहा अनिल नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जो शख्स आग से यानी जहन्नुम से हटा दिया गया, जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो फकद फाज, वही कामयाब। कामयाब कौन है? जिसको जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, असल कामयाबी है। अब इसके लिए मेरे भाइयों क्या करना है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी जो है, क्या बोल रहे अल्लाह ताला, दुनिया की जिंदगी क्या है कि सिर्फ धोखे का सामान है, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, ये धोखे में पड़ा हुआ है इंसान, ये दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, ये दुनिया इतनी बूढ़ी है एक मिसाल नहीं, इससे पहले भी एक दो मरतबा दिया, दुनिया की मिसाल एक बूढ़ी औरत की तरह है, बड़ी लंबी उम्र है ये दुनिया की, हजारों साल गुजर गए दुनिया को बनाए हुए अल्लाह तबारक व तआला ने, इसकी उम्र बड़ी लंबी है, बूढ़ी है, एक बूढ़ी औरत को लाया जाए और बूढ़ी औरत को उसको ऊपर से जो है उसको अच्छे कपड़े पहनाइए और लाल घूंघट उड़ा करके उसको बिठाइए, आप लोग समझ रहे हैं कि ये तो बड़ी दुल्हन है, ये तो अच्छी खासी खूबसूरत दुल्हन है, लेकिन लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा, अगर उसका चेहरा देखता तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, उसका चमड़ा पूरा ढीला पड़ गया है, पूरी तरह से जो है झुकी हुई है, कमजोर है, हड्डियों का जो है पूरा जो है वो क्या कहते हैं, सारे हड्डियां बचे, ऊपर से चमड़ा बचा, गोश्त का कोई नाम निशान नहीं है, ऐसी बूढ़ी औरत को वो जो है घूंघट उड़ाया हुआ है, लोग धोखे में पड़े हुए हैं कि यहाँ दुल्हन बैठी हुई है, ये दुनिया भी तुम्हारे सामने शैतान इस तरह से संवार के ला रहा है और लोग इसके पीछे धोखे में जा रहे हैं, अगर इसकी हकीकत को जानोगे तो फिर जो है दुनिया के पीछे कभी नहीं दौड़ोगे, दुनिया के पीछे नहीं दौड़ोगे, दुनिया की ये धोखे का सामान है, तो जो सजा करके शैतान तुम्हारे सामने लाता है, और इस अल्लामा जलालुद्दीन सुयुती रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि एक हदीस उन्होंने नकल फरमाई, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात को पसंद करता हो कि वो जहन्नुम से बचा लिया जाए और उसे जन्नत में ठिकाना मिल जाए, तो चाहिए कि उसे इस हालत में मौत आए कि वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वाला हो, अल्लाह पर और आखिरत पे ईमान रखने वाला हो और लोगों के साथ वैसा ही मामला करे जैसा अपने लिए पसंद करता है, अपने लिए जो मामला, जो बात, जो अमल, जो चीज पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी वही पसंद करे, तो जो है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जन्नत से जन्नत में जो है वो भेज देंगे। हाँ, इसी तरह से आदमी दुनिया की कामयाबी के लिए बहुत कदोकाश करता है, बड़ी मेहनत करता है, दुनिया के पीछे लगा बटा है, लेकिन जैसे ही सांस उसकी निकल गई तो फिर जो है अब वो जो उसके साथ में जो माल जाने वाला है, उसने दुनिया में मेहनत करके माल कमाया, बैंक बैलेंस कमाया, बिल्डियां बना ली, बिल्डिंग्स बना लिए और जो है नाकीमती गाड़ियां उसने खरीद रखी हैं और दुनिया में अच्छा खासा शोहरत याफ्ता बड़ा नाम उसने कमाया है, लेकिन मेरे भाइयों जब वो मर जाता है तो उसके साथ उसका कदोकाश, उसकी मेहनत, उसका माल, उसका बंगला, उसकी गाड़ी, कोई चीज उसके साथ जाने वाले नहीं, और उसके साथ जाने वाले हैं तो कोई चीज या तो नेक अमल जाएंगे या बुरे अमल जाएंगे,
नेक अमाल भी साथ जाएंगे, बुरे अमाल भी साथ जाएंगे। अगर नेक अमाल उसके ज्यादा रहेंगे तो वो कब्र की जिंदगी में कामयाब होगा, फिर हशर के मैदान में कामयाब होगा, फिर जो है जन्नत जैसी नेमत से वो सरफराज किया जाएगा। असल कामयाबी क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना इस दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, वो आदमी जो है वो कामयाब होता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमाल में जल्दी करो, नेक अमाल में जल्दी करो, ऐसे फितनों के आने से पहले जो शबे तारीख के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह एक बार दिगरे जाहिर होंगे, ऐसे फितने जो आने वाले हैं वो फितने आने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम नेक अमाल ना करो और फितने जाहिर हो जाएं और तुम उन फितनों में मुब्तला हो जाओ तो फिर जो है तुम्हारी मौत जो है ईमान पे नहीं होगी। फितनों से आने से पहले जो है आप जो है नेक अमल करो। आदमी जो है सुबह को मोमिन होगा, एक आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम में काफिर हो जाएगा, और शाम में अगर वो मोमिन होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा। ऐसे फितने आने वाले तुम्हारे जिंदगियों के अंदर, तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे फितने आने वाले हैं, तो इन फितनों से बचना है तो फिर इन फितनों के आने से पहले पहले नेक अमल कर लो ताकि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारी आखिरत संवर जाए। इसी तरह से दुनिया की हैसियत क्या है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो है दुनिया की क्या हकीकत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना जअलना मा अला अर्दि ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइरुना मा अलैहा सईदन जुरुजा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो चीज जमीन पर है, जो चीज जमीन पर है हमने उसको जमीन के लिए आराइश बना दिया, आराइश बना दिया और लोगों की जो है आजमाइश की, आजमाइश करने के लिए उसको जो है ना दुनिया के अंदर जो भी चीज आराइश के तौर पर दुनिया में रखा वो लोगों की आजमाइश के लिए हमने रखा है। और जो है अच्छे अमल करने वाला उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहते हैं, ये दुनिया के अंदर जो भी तुम्हें कोई खुशनुमा चीज नजर आ रही है जिससे तुम्हारी आखिरत संवरने वाली नहीं है, उसके पीछे पड़ोगे कि तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो दुनिया की जो आराइश वाली जो चीजें हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम लोगों की आजमाइश के लिए कि हम देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन अच्छा अमल करने वाला है। और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर जमीन मैदान कर देंगे। हाँ ये कुछ नहीं, इसकी हकीकत नहीं, एक दिन आएगा उसको बंजर जमीन का मैदान बना देंगे, कोई चीज ना इस पे कोई बिल्डिंग फैलेगी, ना कोई जो है बंगला, ना कोई कार, ना गाड़ी, कोई चीज नहीं रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला बंजर जमीन बना देंगे इसको, जिसके पीछे तुम पड़े हो इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला एक और मुकाम पर फरमाते हैं, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لصف الرسول الاولى صحف ابراهيم وموسى। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बेशक बेशक उसने फलाह पाली, उसने कामयाबी पाली, उसने कामयाबी पाली जो पाक हो गया, यानी पाक होना यानी कि अच्छे आमाल कर लिया उस दुनिया के अंदर, उसने जो है कामयाबी पाली, वो कामयाब हो गया, कामयाबी उसने हासिल कर ली। और जिसने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता रहा, देखिए अभी भाई अब्दुल वकील नमाज का जिक्र कर रहे थे, नमाज की बड़ी अहमियत जो इस्लाम के अंदर है, कामयाबी तुम्हारी नमाज के अंदर है। ईमान अगर तुम्हारे अंदर है, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत पर ईमान रखते हो, इस बात की तुम गवाही देते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद बराक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल अगर तुम मानते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर जो है दूसरी चीज जो आयद होती है इस्लाम के अरकान में, दूसरा रुकन जो है वो नमाज का रुकन है। नमाज जैसा कि भाई ने बताया, जिसने जान बुझ कर नमाज छोड़ दी, तर्क कर ली, वो जो है काफिर हो गया, इस्लाम से वो खारिज हो गया, उसने कुफर किया जानबूझ के। हाँ किसी मजबूरी के बिना पर अगर कोई नमाज छोड़ रहा है तो उसको काफिर नहीं कहेंगे, किसी मजबूरी के बिना पर अगर नमाज उसकी छूटती है। लेकिन कोई ये कहता है कि नहीं जी मुझे नमाज की जरूरत नहीं है,
हमें नमाज की क्या जरूरत है। अरे नमाज तो वो पढ़ते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो नमाज पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, उनके लिए नमाज है। और जिनके पास वक्त है वो जाकर के नमाज पढ़े, हम क्या नमाज पढ़ना, हमें नमाज की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आदमी इस्लाम का नहीं, मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है। चाहे उसने कितना बड़ा नाम कमा लिया हो, कितनी शोहरत कमा ली हो, जितना माल और दौलत कितना भी उसने कमा लिया हो, अगर उस नमाज के ताल्लुक से उसने ये बहका दिया तो वो आदमी इस्लाम से खारिज है। और भाई ने बताया सुबह की फजर की नमाज जो बाजमात पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी जिम्मेदारी में ले लेते हैं, अपने जिम्मे में। अगर कोई जमात से नहीं पढ़ता तो अल्लाह तबारक व तआला की उसको कोई परवाह नहीं है कि जहां चाहे जाकर के वो मर जाए, जहां चाहे जाकर के मर जाए, कोई परवाह नहीं उसको। नमाज ये चीज है, नमाज की बड़ी अहमियत। तुम नमाज पढ़ो कामयाबी हासिल करोगे, नमाज के अंदर कामयाबी है। इसके बाद में आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, अहमियत देते हो, उसको प्रेफरेंस देते हो, और आखिरत जो है बहुत बेहतर और बिका वाली है। आखिरत बेहतर है, बिका वाली है, कामयाबी वाली है, खुशी वाली है। दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, तो दुनिया की जिंदगी के पीछे पढ़ो। ये बातें पहली किताबों में थी, जैसा कि मूसा अलैहि सलाम के सहीफों में और इब्राहिम अलैहि सलाम के सहीफों में भी हमने ये बात जो है भेजी थी, उनको भी जो है उस किताब में भी ये बातें मौजूद हैं। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और मुकाम पे वला कान अयकुन الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه من فضه ومعارج عليها يظاهرون। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, ये बात अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर काफिर हो जाएंगे, अगर ऐसी बात नहीं होती कि एक ही बात पर तमाम लोग काफिर हो जाएंगे, तो हम उन लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफर करते हैं, यानी काफिर, उनके घरों को, उनके छतों को हम चांदी के बना देंगे। अगर ये बात ना होती कि उस बात से, इस वजह से सारे लोग काफिर हो जाएंगे, तो हम काफिरों के छतों को जो है चांदी के बना देंगे और जीनों को भी, जीनों को यानी कि घोड़ा वगैरह और ऊंट वगैरह पे जो जीना रख करके उसके ऊपर जो चला जाता, उसको भी जो है हम जो है चांदी के बना देंगे। और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा करके बैठते हैं, सोने के भी, चांदी के भी और सोने के भी बना देंगे। अगर ऐसा नहीं होता कि लोग काफिर हो जाएंगे, तो इसका इस आयत के अंदर क्या मतलब अल्लाह तबारक व तआला समझ रहे, यानी कि काफिरों को अगर कुछ मिल रहा है तो आप जो है उनकी तरफ मत देखिए कि काफिरों को तो बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, अगर काफिरों को और हम ज्यादा देंगे तो क्या तुम भी काफिर बन जाओगे, तो तुम भी काफिर बन जाओ। ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह का इनकार करते हैं, ये काफिरों के लिए है। हम दुनिया को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को काफिरों के लिए जन्नत बनाया, अब दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, कैद खाना, और काफिरों के लिए जन्नत है, क्योंकि उनको वहां पर जन्नत नहीं है, वहां जहन्नम में जाना है। अगर कुफर में मर गया, शिर्क में मर गया, तो वो हमेशा जहन्नम में जाएगा, उसको जन्नत में जाना ही नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक आमाल का बदला यही पर दे देंगे। अगर उसने कुछ सदका किया, अगर उसने किसी की मदद की, अगर उसने कोई अच्छा काम किया, तो उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दे देंगे, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। ये काफिरों के लिए, तुम क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो, तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया, तुम्हारे पेट में लिख दिया गया, तेरा रिजल्ट लिख दिया गया, तेरी उम्र लिख दी गई, तेरे आमाल लिख दिए गए, और तू नेक होगा, बदबख्त होगा, सब कुछ लिख दिया गया, फिर भी जो है तकदीर का इनकार करके तो दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। अल्लाह को बुला के, अल्लाह के रसूल को बुला के, अल्लाह के दीन को बुला के, तो इसमें कामयाबी नहीं है, कामयाबी आखिरत में है। आखिरत की कामयाबी के लिए यहाँ पर जो है हमें मेहनत करना है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसके बाद जो है बड़ी जो है जन्नत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएंगे। आखिरत तो आपके रब के नजदीक सिर्फ परहेजगारों के लिए है, मुत्तकियों के लिए। आखिरत की कामयाबी क्या है, अल्लाह के नजदीक जो है परहेजगारों के लिए है। ये सूरह
زخرف آیت نمبر 33 اور 35 کی آیت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا, کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. یہ دنیا کی حقیقت مومن کی وجہ سے ہے. جب تک اس زمین پر اس دنیا کے اندر ایک مومن باقی رہے گا زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم نہیں کریں گے. قیامت نہیں آئیں گی, قیامت پوری آبرپا ہوگی تو کافروں پہ ہوگی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. مومن کی حقیقت ہے, مومن کی حقیقت ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھے. دنیا کی حقیقت نہیں, مچھر کے پر کے برابر. مچھر کیا ہے اور مچھر کا پر کیا ہے سوچا ہم نے کبھی؟ یہ دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے پر تانے کرنا, اس کی چگلی کرنا, اس کی غیبت کرنا, اس کو برا بھلا کہنا, اس کی جان لینے کی فکر میں رہنا. مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن اور مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. ہاتھ جو ہے مسلمان زبان سے بھی تکلیف دیتا ہے اور ہاتھ سے بھی تکلیف دیتا ہے. تو ایسے اعمال سے تمہیں کامیابی نہیں ملے تم کامیاب نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے تھے. ایک چٹائی یعنی گوریا جو ہم کہتے ہیں, ہماری زبان میں گوریا کہا جاتا ہے یا حسین کہا جاتا ہے. چٹائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے جسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے, چٹائی کے نشان پڑ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک جو ہے گدا تیار کر دیں, کیا ہم یہ گدا تیار کر لیں؟ آپ کی حالت کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں, آپ چٹائی پہ لیٹے ہیں اور چٹائی کے سارے نشان آپ کے جسم مبارک پر جو ہے پڑے ہوئے ہیں, ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گدا تیار کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے, مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے, میں اس دنیا کو ایسا سمجھتا ہوں کہ میں اس دنیا کے اندر ایک مسافر ہوں, چلتے چلتے کسی ایک درخت کے نیچے جو ہے کچھ دیر آرام کر لیا اور اس درخت کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہمیں ہو رہی ہے. کامیابی اس میں نہیں ہے, کامیابی اللہ کی رضا میں ہے. اللہ کے نبی کے طریقوں کے اندر کامیابی ہے, اللہ کے نبی کے اندر کامیابی کیا ہے. اور کبھی یہ آدمی اپنے آپ کو تکبر میں تکبر نہ کریں, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. علم کے اعتبار سے ہو یا مال دولت کے اعتبار سے ہو, شہرت کے اعتبار سے ہو, آدمی تکبر اور غرور نہ کرے. انانیت انسان کے اندر نہیں ہونا, جس کے اندر انانیت ہے وہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس تم 18 سال کی عمر کے ہو, 18 سال کی عمر میں 60-65 سال کے لوگ آ کر تم سے فتوا پوچھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ 18 سال کے تم بچے ہو اور 60-65 سال کے صحابہ آ کر تمہارے سے جو ہے فتوا پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر. دوسرا نبی کی دعا ہے, نبی کی دعا جو میرے لیے نبی نے کی تھی, اللہم فقہ فی الدین, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جب لوگوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں, لوگوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان سب کو میرے سے زیادہ علم عطا کرنا, اللہ مجھ سے زیادہ علم والے ان کو بنا. ہمارا کیا ہے, ارے میرے پاس علم ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے. ہر آدمی کا یہ دعویٰ کیا ہے میں بڑا عالم, میرے پاس علم ہے تمہارا کیا معلوم, ارے مجھے معلوم جی کہ عمل تمہارا نہیں.
देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला बचपन में उनको जो है मुफ्ती बना दिया है। 18 साल की उम्र में अब्दुल्ला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उनके मजलिसों में उनको बिठाया करते थे। सहाबा ऑब्जेक्शन करते थे, आया अमीरुल मोमिनीन क्या आप हम बड़ों के मजलिस में बच्चे को बिठाते हो, ये बच्चे को बिठाते हो। अब्दुल्लाह उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ऐसी बात है, ठीक है एक मसला पूछता हूँ आप लोग जवाब दें।